नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस का, जो कि पेपर अब कैंसिल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अब फिर से आप री एग्जामिनेशन दोगे तो उससे संबंधित ही पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि वो भी बुक का था। आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट री एग्जामिनेशन में आएगा वो भी बुक का होगा, हो सकता है इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हो, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए कारगर हो सकता है। या फिर आपने अभी जो एग्जामिनेशन आपने दिया था उसमें आपने क्या गलतियां की, उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है सॉल्यूशन में। तो आइए हम देखते हैं आज का ये वीडियो। ये सेक्शन डी का सॉल्यूशन है और इसके प्रीवियस सी एंड उसके पहले का जो सॉल्यूशन था ए एंड बी का, वो सॉल्यूशंस भी इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसके लिंक देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत होने के बाद आपको दो बॉक्सेस मिलेंगे और वहां पे जाके आप प्रीवियस वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 चलते हैं। शायद ये क्वेश्चन 23 फिगर का है। यस, तो ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तो आप देख सकते हैं, जाके बुक में भी जाके देख लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या बनाना। कंस्ट्रक्शन तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो तो फिक्स है कि इतना है ऐसे ऐसे बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने इसमें नहीं बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। एपी में है चार संख्याएं, चार नंबर्स, और उनका सम 32 है और दिया हुआ है फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के मल्टीप्लीकेशन का जो रेशियो है वो 7:15 है। तो फाइंड कीजिए नंबर्स को। तो आइए यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए कोई भी संख्या को, अगर चार संख्याओं को अगर कभी भी एपी में मानना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप बिल्कुल यही मानेंगे। देखिए दोनों में -2 अल्फा का डिफरेंस है, इसमें -2 अल्फा का मतलब +2 अल्फा का डिफरेंस, इसमें +2 अल्फा का डिफरेंस, इसमें +2 अल्फा का डिफरेंस। सम दिया हुआ था तो मैंने सबको जोड़ दिया, ये -3 अल्फा +3 अल्फा कैंसिल, -अल्फा +अल्फा कैंसिल, 4 अल्फा का 4, फिर a 4 a का वैल्यू 32, तो a का वैल्यू 8 आ गया। फिर जो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस बोला था फर्स्ट इंटू फोर रेशियो सेकेंड इंटू थर्ड, वो हमने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई किया है। मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कंडीशन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में गया है, सो डेट यहाँ पे हमने फिर लास्ट में a का जो हमारा ऊपर में 8 वैल्यू आया था वो हमने 8 का स्क्वायर 64 किया। 64 करने के बाद यहाँ पे आप कैलकुलेशन रोक के वीडियो देख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया। एक बार जब हम इसमें प्लस अल्फा पुट करते हैं तो ये देखिए, तो अल्फा हमारा ए का वैल्यू 8 आ गया, अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया। तो इसमें मैंने बारी बारी से पुट किया, 8 माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2, फिर 8 माइनस 2 तो 6, तो देखिए यहाँ पे आ गया 2 6 10 14 बारी बारी से। और अगर आप माइनस 2 पुट करते हैं तो 14 पहले आएगा, 10 उसके बाद, फिर 6 फिर 2, बट आपने दोनों में से कोई एक भी लिखा होगा देन यू आर राइट और आप मार्क्स गेन करेंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी आई थिंक इसको सॉल्व करने में, बट आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा है, 9 AD² = 7, और नीचे जो हमारा है वो तो मैंने पिछले भी वीडियो में दिया था, तो मैंने उसमें बताया था कि पाइथागोरस लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, अथवा वाले का, ऊपर वाले का मैं प्रूफ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया है, मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, ये दिया हुआ था BD जो है जो BC का, और एक चीज़ और, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो BC बोले AB बोले AC बोले सारा बराबर है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं कि मैंने इसमें किया क्या है, आप थोड़ा रोक के कैलकुलेशन देख लें क्या किया है। एक चीज़ ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाने से पहले कि मतलब क्वेश्चन आपने बनाया था तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना था कि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और BC बोले या AB बोले या AC बोले सारा का वैल्यू सेम जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में आ सकते हैं, चलिए इसको आप देख लेंगे किस तरह से बनाया हुआ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे लास्ट में फिर ये जो हमारा बचता है ये सब घट के और मल्टीप्लिकेशन होके, तो लास्ट का जो हमारा टर्म आया वो आया 28 AB² = 36 AD², सो डैट ये कट हो गया चार बार का दोनों, तो 7 AB² = 9 AD² जो हमको प्रूव करना था वो आ गया। मैंने इसमें उल्टा लिखा है, डेट मीन्स 7 AB² मैंने LHS में लिख दिया है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग एकदम लास्ट कंडीशन पे ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा है
उसमें दो क्वेश्चन हैं, आइए इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो पहला था उसमें इस तरह से सॉल्यूशन किया गया है, स्टिल 18 के एम पी एच स्टिल वाटर का मैंने स्टीम का एक्स मान लिया, फिर अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल दिया, दोनों टाइम देख लिया, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 1 आवर देख लिया, उसके बाद जो वैल्यूज़ थे T1 T2 का वो हमने यहाँ पे पुट किया है, वैल्यूज़ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन एंड लास्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 322 इज इक्वल टू जीरो एंड हेयर इज द फैक्टराइजेशन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 54 एंड 6 बट माइनस 54 इज नॉट पॉसिबल सो डैट द रियल वैल्यू विल बी 6 एंड द राइट आंसर इज 6 KMPH। इसमें एक अथवा वाला भी क्वेश्चन था सो उसका भी मैं सॉल्यूशन आप यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं और इसका भी मैंने सॉल्यूशन किया है। एवरेज स्पीड X KMPH और T1 इज इक्वल टू जो भी था डेटा आप क्वेश्चन आगे रखें और इसको फिर से कैलकुलेट किया गया। इसमें भी एक इक्वेशन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको भी सॉल्व किया गया तो एक्स के यहाँ भी दो वैल्यूज आए, एक -3 एंड एक 42, सो डैट -3 इज नॉट पॉसिबल सो डैट 42 इज द राइट आंसर एंड द एवरेज स्पीड इज 42 KMPH। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सो इजी। ये जो हमारा है वो दिया हुआ था यहाँ पे देखिए 27 में एक बिल्डिंग के बारे में, एक हाउस लाइट हाउस के बारे में और इसके अगल बगल से दो जहाज आ रहे थे, जो दो शिप्स आ रहे थे उसमें एंगल्स दिया हुआ था। तो देखिए मैंने कितने आसानी से इसको निकाला है, पहले बड़े ट्रायंगल में आ गया 10-30 लगा दी तो BD निकाल लिया यहाँ से, आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, फिर छोटे ट्रायंगल में आके BC निकाल लिया, हमको CD पूछ रहा था तो CD निकालने के लिए बिल्कुल आसान था, BD माइनस BC कर दिया मैंने तो इसका वैल्यू आ गया 100 रूट 3 का 1.73 माइनस 100। आप रोक के अगर देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं आपने कैसे बनाया है, क्या बनाया है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, उसके हिसाब से आप मिला सकते हैं 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 28, देखिए 28 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो शायद पता नहीं क्या CBSE सोचती है और मैथ्स में ये क्वेश्चन दिया है, मुझे तो कुछ मैथमेटिक्स का इसमें कुछ दिखा नहीं। ऊपर वाले का मैंने सॉल्यूशन किया है 28 के 1 का, देखिए ये जो फ्रस्टम का है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है और दो ऊपर वाला पेंदा और नीचे वाला जो इसका है वो जुड़ेगा, लेकिन ये बाल्टी है तो एक जो बड़ा वाला है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाल्टी का हमेशा जो होता है, ये देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि ये जो बड़ा वाला है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाल्टी हमेशा बड़े वाला साइड में खुलती है, सो इसका इतना में इतना जुड़ता, आप कैलकुलेशन कर लेना इसको जोड़ के, ये दोनों प्लस हो जाएगा ऐड होके जितना भी आएगा आप उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 29, इसमें एफ का वैल्यू निकालना था तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा लिखा है और सब कुछ ऐड वगैरह किया है, ऐड करने के बाद जो फार्मूला होता है मीन का वो फार्मूला अप्लाई किया, σFx/σF 18 जो एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ था, जो मीन दिया हुआ था उसको पुट करके एफ का वैल्यू यहाँ 8 आया और इसमें जो और है वो ग्राफ था तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, ग्राफ है तो ग्राफ आप बनाएंगे उसमें। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 29 भी, अभी मैंने आपको दिखाया ये 29 लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, ये बिल्कुल आसान है, मैंने ऊपर से साइन नीचे से कॉस कॉमन लिया, 1 - 2 sin² θ / 2 cos² θ - 1। अब 1 को मैंने sin² θ + cos² θ पुट कर दिया, यहाँ भी नीचे वाले 1 को भी मैंने वही किया तो माइनस में होने की वजह से दोनों नेगेटिव चल गया। अब ये sin² से 2 sin² गया तो -sin² cos² + में, यहाँ भी cos² से 1 cos² गया तो 1 cos + में, एक ये दोनों कट गया sin/cos 10। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था लास्ट वाला, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपके लिए कारगर साबित हो।